वेलकम बैक टू द चैनल। और आज चैनल पर हम आपको बताएंगे स्कॉर्पियो Z8 मॉडल, जो फुली लोडेड पेट्रोल कार है स्कॉर्पियो की, जो N सीरीज़ में वो यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रही है। और उसमें यहाँ पर जो हमारी PPF की जा रही है, ट्रिपल लेयर में जो PPF यहाँ की जा रही है गाड़ी की, ये आपको बताएंगे। पेंट की प्रोटेक्शन के लिए गाड़ी के लिए जो बहुत इम्प्रेसिव एक फ़ीचर है जो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है करोल बाग में। सरदार जी कार एसेसरीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं करोल बाग में, यहाँ ये ऐड किया जा रहा है। जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो आती है, जो गाड़ी को एक प्रोटेक्शन देती है, कुछ इस तरीके से ये देखिए फिल्म यहाँ लगाई गई है। और मतलब इससे गाड़ी के जो हम पेंट को बचा सकते हैं कस्टमर्स के लिए, सभी के लिए ये वैल्यूबल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वो ये है कि गाड़ी की जो हम स्क्रैचेस नॉर्मली जो होते हैं उससे अपनी गाड़ी को प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पर ऐड किया जा रहा है स्कॉर्पियो N के अंदर, Z8 टॉप मॉडल पेट्रोल की जो है, कुछ इस तरीके से। सो गाइस, टॉप मॉडल में ऑलरेडी जो है सभी फीचर्स ऐड होते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीट वगैरह सभी चीज़ें लगी होती हैं। और जो गाड़ी का ये मॉडल है, इसके अंदर लोडेड मॉडल है ये, जिसकी हम पेंट प्रोटेक्शन जो मेन काम है, बेसिक काम पेंट प्रोटेक्शन का है, वो यहाँ पर फिल्म लगाई जा रही है। ये कुछ इस तरीके की सफाई का काम यहाँ पर देखिए किया जा रहा है कि यहाँ पर आप जज नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर फिल्म लगी भी हुई है प्रोटेक्शन के लिए या नहीं लगी हुई। कुछ इस तरीके का फील आएगा जो ये देखिए, ये ऑलरेडी यहाँ पर हम जज भी नहीं कर सकते, यहाँ पर फिल्म लगी हुई है। ये आप डोर देख सकते हैं, जो रियर डोर है उस पर लगी हुई है, और इस पर बिल्कुल आप नहीं बता सकते कि यहाँ पर लगी हुई है। फ्रंट डोर के अंदर भी जो है, फ्रंट डोर के अंदर भी लग चुकी है, और हमारा जो फेंडर है, फेंडर लाइन में भी लग चुकी है, बोनट पर भी, सब पूरी बॉडी में ये फिल्म लग चुकी है, जिसको हम जज भी नहीं कर सकते देखकर कि यहाँ पर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाई गई है। तो बहुत ही इम्प्रेसिव ये एक ज़रूरी जो एक पेंट की प्रोटेक्शन के लिए ये है, पेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो वर्क चल रहा है, बहुत इम्प्रेसिव यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। तो गाइज, ये लैमिनेशन जो यहाँ पर की जा रही है, इसकी एक्चुअली जो मैंने बताया जजमेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जज करना चाहते हैं तो ये जो गाड़ी अभी हुई है ये पार्ट में हुई है, जो लैमिनेशन इसकी की गई है पेंट की प्रोटेक्शन के लिए, वो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम फेंडर के पास आते हैं तो ये जो दो लाइन्स दिख रही हैं आपको, ये लाइन्स बताती हैं कि इसके ऊपर लैमिनेशन की गई है पेंट की प्रोटेक्शन के लिए। अदरवाइज़ इसको अगर दूर से देखते हैं तो दूर से देखने पर इसमें ये नहीं बता सकते कि गाड़ी लैमिनेट हुई है। काफ़ी सफाई से, और बहुत ही मतलब इसको टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये काफ़ी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गाड़ी अगर आप लेते हैं तो जो गाड़ी लवर्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि गाड़ी को स्क्रैचेस से बचाया जा सकता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। अगर ज़रा सा भी स्क्रैचेस आ जाते हैं गाड़ी के ऊपर तो बहुत बैड फीलिंग आती है कि ये स्क्रैचेस क्यों आए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये एक हैप्पी फीलिंग जो है ऑनर के लिए गाड़ी की, ये बहुत हैप्पी फीलिंग है, बहुत खुश लग रहा है और ऑनर जो है एक हैप्पी फीलिंग के साथ है, स्माइल फेस के साथ है। नाइस। किसे काटा बेटा? बहुत बारीकी से काटा जा रहा है जो लैमिनेशन की फिल्म है, जो जहां एंड होना है उसको ब्लेड से बहुत ही बारीकी से काटा जा रहा है, सो दैट फिनिशिंग में कोई कमी नहीं आए। तो आज की इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन में स्कॉर्पियो हमारे सामने खड़ी है। तो स्कॉर्पियो का कुछ जो मेन पार्ट है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है, लैमिनेशन का, जो लैमिनेशन की जा रही है पेंट की प्रोटेक्शन के लिए, ये हमने आज आपको शेयर किया अपने चैनल पर। जो है ये वाली साइड जो हमारी हो गई है, ये बैक प्रोफाइल का जो ये साइड है हमारा, ये हो गया है लैमिनेशन, यहाँ पर हो चुका है। और बाकी ये नीचे का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अभी गाड़ी का होना है लैमिनेशन,
ये अभी देखते हैं, ये अभी फिलहाल ऐसा लुक्स इसका दिख रहा है, लेमिनेशन के बाद कैसा दिखेगा ये भी आपको बताएंगे। और गाइस ये ड्राइविंग साइड का जो हमारा बैक पोर्शन है वो अभी लेमिनेट नहीं हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके के लुक्स हैं इसके विदाउट लेमिनेशन। तो नीचे का जो बम्पर का पार्ट है वहाँ के लिए सी जो हमारी लेमिनेशन है उसका साइज लिया जा रहा है, उसकी साइज की कटिंग की जाएगी अभी और कट करके उसको फिर पेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उसकी सेटिंग की जाएगी। सो गाइस दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का फ़र्क देखिए, नीचे अभी नहीं लगी है और ऊपर की और नीचे की शाइनिंग में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, इतनी इम्प्रेसिवली ये लगाई गई है कि आप इसको जज नहीं कर सकते, शाइनिंग बिल्कुल इक्वल आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो गाइज इस तरीके की कुछ ये शीट होती है, ये पूरी शीट यहाँ पर होती है और जिसमें साइज कट किया जा रहा है शीट का, और ये पूरी जो ड्राइविंग साइड का पार्ट है इसको भी अभी यहाँ पर लेमिनेट किया जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से जो है उसको अब उसकी लेयर को हटाया जाएगा, ये लेयर हटाई जाएगी और लेयर हटाने के बाद उसको फाइनली पेस्ट किया जाएगा। ये लेयर हटा दी गई है, ये देखिए ये इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से इसको हटाया जाएगा फिर उसके बाद पेस्ट किया जाएगा। ये पूरी एक शीट का साइज कट कर लिया है और ये इसको पूरा नीचे तक कम्प्लीटली हटा दिया गया है। हटाने के बाद अब इसको यहाँ पर इस तरीके से कट करने के बाद साइज चेक कर लिया और अब फाइनली जो ग्लास है हमारा, ग्लास के बीच में से इसको हटा लिया और बाकी बॉडी पार्ट पर इसको लगाया गया। क्लीनिंग की जाएगी सो दैट डस्ट पार्टिकल्स अगर होते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले उसको क्लीन किया जाएगा, उसके बाद उसको पेस्ट किया जाएगा और फिर सेट किया जाएगा। तो इसी तरीके से लगभग मानकर चलिए कि पूरी गाड़ी को लेमिनेट किया जाता है और लेमिनेशन का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि गाड़ी के पेंट को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है। जब कोई भी इतनी महंगी गाड़ी लेता है तो गाड़ी लेने के बाद उसके प्रोटेक्शन का ख्याल हमेशा उनके मतलब मन में रहता है कि गाड़ी को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, चाहे वो हमारा एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो, कहीं का भी पार्ट हो, हम उसको काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि पार्ट ऑफ फैमिली है। तो कुछ इस तरीके से अब अदर साइड भी हटाई जा रही है शीट की, सेकेंड लेयर खोली जा रही है, एक लेयर अभी खोल दी थी, दूसरी खोली जा रही है और शीट का ट्रांसपेरेंसी देखिए क्लियर कितना है, बहुत अच्छा क्लियर ट्रांसपेरेंसी है, बहुत बढ़िया इम्प्रेसिव ट्रांसपेरेंसी आपको दिख जाती है। तो करोल बाग एक फेमस प्लेस है गाड़ी की मॉडिफिकेशंस के लिए, जहां पर आप अलग अलग मॉडिफिकेशंस यहां पर करवा सकते हैं, काफ़ी मेहनत का काम है, काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, बहुत बारीक काम है तो जो कि यहाँ पर होता है और काफ़ी जिसको वैल्यू फॉर मनी आप कह सकते हैं कि आप जो भी पैसा लगाएंगे वो आपको लगेगा नहीं कि ख़राब गया है। तो फाइनली इसको अब यहाँ से पकड़कर दोनों साइड से और इसको सेटिंग की जाएगी।
काफ़ी बारीकी से ये काम यहाँ किया जाता है। कस्टमर का फुल सेटिस्फेक्शन। ये देखिए लग चुकी है, उसको पेस्ट कर दिया है। अब उसकी सेटिंग की जाएगी, जो एयर बबल्स हैं वो सारे क्लीन किए जाएंगे और उसको टाइटली करके बिल्कुल बॉडी के साथ सेट किया जाएगा। ये सेटिंग की जा रही है इसके। अब आप ये देखिए, फील कीजिए, इस पार्ट पर लग भी नहीं रहा कि लेमिनेशन हुआ है, इतनी सफाई से किया गया है। तो बिल्कुल नेचुरल एक बॉडी का आ रहा है। देखिए जो बॉडी की अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसको फिर से रिमूव किया जा रहा है। इसमें आपका पैसा तो लगता है, लेकिन आप ये एक अलग फील आता है गाड़ी की प्रोटेक्शन का। तो ये लेमिनेशन अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो ज़रूर करवाएं। बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब मैं अभी लाइव खड़ा होकर देख रहा हूँ तो मैं फील कर सकता हूँ कि कितना इम्प्रेसिव काम ये हो रहा है। हमारे करोल बाग में सरदार जी एसेसरीज जो है यहाँ पर, बहुत अच्छे से मैं महसूस कर रहा हूँ कि कितनी मेहनत से और कस्टमर की गाड़ी के ऊपर जो ये लेमिनेशन की जा रही है, नॉट इवन एक सिंगल डाउट को छोड़ा जा रहा है। जो फालतू का पार्ट है उसको रिमूव कर दिया। तो गाइज मैं महसूस नहीं कर पाया, लेकिन मैंने देखा ये इस तरीके से ये पत्थर दिख रहा है छोटा सा, तो ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो बार बार इसको हटाते हैं। आप देखिए कितना बारीक काम है, एक जरा से पार्टिकल के लिए, डस्ट पार्टिकल के लिए बार बार रिमूव करके उसको फिर से दोबारा सेट किया जाता है। सो फाइनली हमारा लास्ट राउंड अब इसका चल रहा है और इसको जो बबल्स एयर्स के निकाले जाएंगे और आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से आप देखकर महसूस कर सकते हो, यहाँ पर इन्होंने कर दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी ब्रांड न्यू गाड़ी शोरूम से निकल कर आई है। वो वाला फिनिश आ रहा है, वो वाली शाइनिंग यहाँ महसूस कर रहा हूँ मैं। आप खुद देखिए जो टेल लैम्प है, टेल लैम्प पर अभी जो लैमिनेशन फिल्म दिख रही है आपको, लेकिन जिस साइड इन्होंने सेटिंग कर दी है वहाँ एक अलग ही फिनिश आ रहा है, बहुत अच्छा फिनिश आ रहा है। तो काफ़ी इम्प्रेसिव काम मुझे ये लगा आज स्कॉर्पियो के अंदर जो किया जा रहा है, काफ़ी इम्प्रेसिव। रेस्ट जो बची हुई फिल्म है वो हटा दी गई और वाओ वाओ फीलिंग आपको आएगी यहाँ पर देखकर कि बहुत अच्छा, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर देखिए लगाई गई है, लैमिनेशन किया गया है इस पार्ट को। तो अगर आप इसको लाइव जब करवाने आएंगे देखेंगे तो आपको खुद बहुत सेटिस्फेक्शन होगा इस चीज़ को देखकर। वेरी इम्प्रेसिव।
ये अलग ही देखिए आपको, आप मेरे यहाँ कैमरे पर क्लियरली आप वीडियो में देख सकते हैं कि फिनिश अलग ही दिख रहा है। फाइनली उसको पेस्ट करते हैं जब, तो उसका जो फिनिशिंग है वो अलग ही दिख रही है। कोई डिफरेंस ही नहीं बता सकता कि इसके ऊपर लेमिनेशन हुआ या नहीं हुआ, एज इट इज़ नेचुरल लुक आ रहा है इसका, कि नेचुरल जो पेंट है वो का वही लुक आ रहा है, ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये एक इसकी खूबी है लेमिनेशन की, वैल्यू फॉर मनी। ये हटा दिया गया, बचा हुआ जो फालतू एक्स्ट्रा था उसको हटा दिया गया। नहीं नहीं बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं मैंने वीडियो में ये बती सभी कस्टमर्स को बताया है कि जो सरदार जी के यहाँ ये काम लेमिनेशन का हो रहा है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, मोर देन सेटिस्फैक्ट्री। कस्टमर का कहना है सरदार जी मेरे पास पुरानी स्कॉर्पियो थी, यहीं से करवाता था सारा काम अपना। अच्छा अच्छा ग्रेट। तो जो अभी देखिए इन्होंने बताया कि जो पहले स्कॉर्पियो थी वो भी यहीं से सारा काम इन्होंने करवाया, इसका मतलब कस्टमर को बहुत अच्छे हद तक सेटिस्फेक्शन है यहाँ के काम के लिए। थैंक यू वेरी मच सरदार जी, इज़ द बेस्ट, ग्रेट, सिंग इज किंग। तो गाइस डिफरेंस देख लीजिए, अब आप डिफरेंस देख लीजिए कि जरा सा भी पता नहीं चल रहा है यहाँ पर कि गाड़ी के ऊपर लेमिनेशन की गई है। इस खूबसूरती से किया गया है काम को, बड़ा टाइम लेकर किया गया है, तो ज़रा सा भी पता नहीं लगता कि गाड़ी के अंदर लेमिनेशन हुई है। अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर की तरफ देखकर ज़रूर पता लग जाएगा, क्योंकि फिल्म का कुछ पार्ट पड़ा हुआ है, अदरवाइज़ नहीं बता सकते कि यहाँ पर लेमिनेशन की गई है। जो बची हुई ऊपर की फिल्म है रूफ रेल के पास में, उसको लगाया जाएगा। ये देखिए मतलब एक अलग ही फील आ रहा है गाड़ी को देखकर, एक अलग ही फील आ रहा है कि जो गाड़ी है वो एक अलग ही लुक्स दे रही है, कि लाइक पता भी नहीं चल रहा इस लेमिनेशन का यहाँ पर। मतलब इस पैनल पर आप देखिए लेमिनेशन हो चुकी है लेकिन पता भी नहीं चल रहा है। बहुत खूबसूरती, ये कुछ इस तरह का काम है कि कुछ कस्टमर्स को, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती इस चीज़ के बारे में कि ये भी एक फीचर है, एक एडिशन है जो मॉडिफिकेशंस के अंदर आते हैं गाड़ी की बॉडी को स्क्रैचेस से बचाने के लिए। तो ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है, सो दैट कि अगर नई गाड़ी परचेस करते हैं तो ये वाले फीचर को आप अपने साथ ऐड कीजिए और अपनी गाड़ी की प्रोटेक्शन कीजिए। कम्प्लीटली एंड टू एंड इसको टच दिया जा रहा है, जो रूफ रेल है रूफ रेल के साइड में पूरा एंड तक लेके जाया जाएगा, जिससे बेस्ट फिनिशिंग को ऐड किया जा सके। जो फालतू का पार्ट था उसको हटा दिया गया है यहाँ से, नीचे की तरफ जो हमारी क्रोम गार्निश है वहाँ से भी जो फालतू का पार्ट है उसको भी रिमूव किया जा रहा है, फाइनल टच में है लेमिनेशन। वाव, एक वाव फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी, जब काम फिनिश होता है तो आपको खुद ही देखने को लगेगा कि बिल्कुल गाड़ी ऐसा लग ही नहीं रहा, गाड़ी में कुछ किया भी गया है। मतलब इतनी फिनिशिंग है कि गाड़ी को हम बता भी नहीं सकते कि गाड़ी में कुछ किया गया। अब आप महसूस कीजिए, अभी तक जो फिल्म का एक्स्ट्रा पार्ट था लेमिनेशन का वो लगा हुआ था तो पता चल रहा था, लेकिन अब आप इसके हटने के बाद आपको ये फील आएगा कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। दैट्स इट। तो ये देखिए, ये फाइनल फिनिश देखिए कितनी शाइनिंग के साथ, जो शाइनिंग है वो बरकरार है गाड़ी की, बहुत बढ़िया। सो फाइनल पार्ट है ये फिनिशिंग का, सेटअप किया जा रहा है कम्प्लीटली। अगर कोई बबल कोई रह जाता है एयर का या कुछ भी कमी देखने को मिलती है उसको फाइनल टच दिया जा रहा है, और जस्ट सीधा शाइनिंग, आप इस शाइनिंग को महसूस कर सकते होंगे वीडियो में कितने अच्छे तरीके से
इस काम को किया गया है? मतलब बहुत क्लोजली जाकर कोई बता पाएगा कि यहाँ पर अभी लेमिनेशन हुआ है, अदरवाइज कोई भी जज नहीं कर सकता लेमिनेशन गाड़ी में किया गया है। बहुत क्लोजली जाकर पता लगेगा, गाड़ी के काफ़ी करीब आने के बाद यहाँ पता लगता है, अदरवाइज नहीं। ये मैं दिखाता हूँ आपको, एक लाइनिंग यहाँ पर दिख रही है, ये लाइनिंग आप देख सकते हो, ये लाइन अगर दिख रही है तो यहाँ पर ये पता लगता है कि यहाँ पर लेमिनेशन हुई है। अदरवाइज मैं पीछे जाता हूँ, जितना पीछे जाता हूँ तो कम्प्लीटली कुछ नहीं कह सकते यहाँ लेमिनेशन हुई है। बहुत अच्छे से लेमिनेशन की गई है। सरदार जी कार एसेसरीज ये मेरे सामने है करोल बाग में, यहाँ पर आप आएँ और बेस्ट लेमिनेशन या PPF यहाँ से आप करवा सकते हैं। तो गाइस जो लेमिनेशन है उसका रेट मानकर चलें 15,000 से 18,000 रुपये में लेमिनेशन हो जाती है, और अगर PPF आप कराते हैं बड़ी गाड़ी की तो 35,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की बड़ी गाड़ी होती है, और छोटी गाड़ी मानकर चलें तो लगभग वही लगभग 30,000 रुपये में छोटी गाड़ी हो जाती है। फुल गाड़ी जो है आपकी पूरी गाड़ी को लेमिनेट किया जाता है, लगभग 30,000 में आपकी PPF होती है लगभग पूरी गाड़ी की। तो उससे ये हो जाता है लाइफ लॉन्ग आपका ये एक फ़ीचर है जो पूरी गाड़ी को प्रोटेक्शन देता है, स्क्रैचेस जो हमारे रह जाते हैं उनको बचाता है, उनसे प्रोटेक्शन देता है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी ये लेमिनेशन की वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।